नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान की पार्टी टूट रही है। जी हाँ, टूट रही है। हमने आपको बताया कि पहले जेडीयू ने 208 लोगों को तोड़ दिया और उसके बाद बीजेपी ने 200 नेताओं को अपने पाले में कर लिया। तो ये खबरें लगातार आ रही है और बीजेपी ने जो एकमात्र एमएलसी थी एलजेपी की नूतन सिंह, उन्हें भी बीजेपी में शामिल करवा लिया और एमएलसी के यानी विधान परिषद में लोजपा का सुपराही साफ कर दिया। और उधर जेडीयू की नजरें एकमात्र विधायक पर टिकी हुई हैं। इस बीच बड़ा बयान सामने आया है एलजेपी की तरफ से, एलजेपी सांसद की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस टूट से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, पार्टी टूट रही है, लगातार टूट रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि पार्टी का अस्तित्व तो बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन इस बीच एलजेपी सांसद जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं प्रिंस राज, जो चिराग पासवान के छोटे भाई भी हैं, उनका कहना है कि ऐसी टूट से पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंस राज, पहले सुन लीजिए आप। इसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छा दे पाएंगे। एक चीज सब विपक्ष लगातार हम लोग की भाजपा ने जो लोजपा से वादा किया उसे मुकर गई। अब चिराग न करते रहे न घाटते रहे। कौन सा वादा किया था? एक ही हर जगह पर अपने पार्टी से उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे थे उन्हें एक अच्छी जगह मिले दी और उन्होंने अपना काम कर दिया। ना कुछ ऐसा दिक्कत नहीं। देखिए, पार्टी में लोग आते हैं लोग जाते हैं। अभी अगर बिहार एनडीए की बात करें, नीतीश जी और संजय जायसवाल जी, ये सब कोई भाजपा और जेडीयू हैं, तो दूसरे स्टेट में जेडीयू के भी तो साथी को तोड़ के भाजपा में ज्वाइन करा लिया गया था। सिटिंग विधायक थे हैं, ज्वाइन करा दिया गया था। ये चीज़ें होती रहती हैं, पार्टी में लोग आते हैं पार्टी से लोग जाते हैं। जब हम लोग चुनाव मैदान में थे तब भी हमारे पार्टी में भाजपा से भी लोग आए थे, जेडीयू से भी लोग आए, तो ये आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, पहले तो फिर कोरोना महामारी का एक भार पड़ा, अब दूसरा जो तेल का जो दाम बढ़ रहा है ये सही तो नहीं है। लेकिन इसके अच्छे जानकारी है क्यों ऐसा है, क्या इसमें किया जा सकता है, इससे संबंधित मंत्रालय इसमें जवाब अच्छा दे पाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसे कंट्रोल किया जाए। तो सुन लिया आपने कि प्रिंस राज ने साफ तौर पे कह दिया कि टूट फूट से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ऐसे नेता आते और जाते रहते हैं, इससे पार्टी पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बड़ी बात कह दी है उन्होंने, क्योंकि लगातार जिस तरह से चिराग पासवान के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्षी पार्टियां उन्हें घेर भी रही हैं और कह रही हैं कि चिराग पासवान को अब जो है पद छोड़ देना चाहिए, अध्यक्ष का पद जो है और जो संसदीय बोर्ड में है वो पद छोड़ देना चाहिए। दरअसल ये मांझी की पार्टी ने ये सुझाव दिया था, मांझी की पार्टी ने ये कहा था कि चिराग पासवान अगर पार्टी को बचाना चाहते हैं अपनी पार्टी को तो तत्काल उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, अध्यक्ष पद, क्योंकि पार्टी के नेताओं का अब उन पर विश्वास नहीं रह गया है। तो खैर, चिराग पासवान के भाई और पार्टी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे कदमों से पार्टी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। कुछ नेता, चंद नेता जो है गए हैं तो पार्टी में कुछ नेता आए भी हैं और आने जाने से ऐसे पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।